गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, सह आचार्य EFM, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम BCom पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के टॉपिक राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि भारत में पंचायत राज को एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है और स्वर्गीय श्री के संथानम की पहल पर इसे एक बड़ी सीमा तक भारतीय संविधान में 40वें अनुच्छेद के रूप में शामिल किया गया है। इस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। इस संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए भारत में राज्य सरकारों ने पंचायत राज अधिनियम को लागू किया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो संसद ने वर्ष 1993 में पारित किया, यह अधिनियम इन संस्थाओं के विकास में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि राजस्थान को वह पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त है जिसने अपने यहाँ पंचायत राज की स्थापना की। 2 अक्टूबर 1959 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर राजस्थान में पंचायत राज का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात देश के अन्य राज्यों में पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना की गई। केंद्र सरकार द्वारा किए गए संवैधानिक प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 बनाया गया। इस अधिनियम हेतु प्रस्तावित प्रारूप को राजस्थान के राज्यपाल ने दिनांक 23 अप्रैल 1994 को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान में नवंबर दिसंबर 1994 में ग्राम पंचायतों के चुनाव कराए गए। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम व्याख्या विश्लेषण करते हैं, जिनके विभिन्न बिंदु इस प्रकार से हैं। नंबर 1, ग्राम सभा। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक ग्राम सभा होगी जिसमें पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट गांव या गांवों के समूह से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्ति होंगे। प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठकें होंगी, पहली वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रिमास में और दूसरी अंतिम त्रैमासिक अवधि में होगी। ग्राम सभा उसके समक्ष रखे गए विषयों के संबंध में चर्चा करने के लिए स्वतंत्र होगी और पंचायत ग्राम सभा द्वारा दिए गए सुझावों पर यदि कोई हो तो विचार करेगी। संबंधित पंचायत समिति का विकास अधिकारी या ऐसे विकास अधिकारी के द्वारा नाम निर्देशित कोई प्रसार अधिकारी ग्राम सभा की सभी बैठकों में उपस्थित होगा। ग्राम सभा के गणपूर्ति या कोरम के संबंध में प्रावधान है कि ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति अर्थात न्यूनतम कोरम से संबंधित सदस्यों की कुल संख्या के दशांश से होगी, लेकिन गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई किसी बैठक के लिए किसी भी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। पीठासीन अधिकारी या प्रिसाइडिंग ऑफिसर ग्राम सभा की बैठक पंचायत के सरपंच द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में ऐसी पंचायत के उप सरपंच द्वारा बुलाई जाएगी।
बैठकों की अध्यक्षता सरपंच द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच के द्वारा की जाएगी। ग्राम सभा के जो कार्य अंकित किए गए हैं उनमें इस प्रकार से हैं, पंचायत क्षेत्र से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता करना, ऐसे क्षेत्र से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु हिताधिकारियों की पहचान, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और वस्तु रूप में या नगद दोनों ही प्रकार से अभिदाय जुटाना, ऐसे क्षेत्र के भीतर प्रौढ़ शिक्षा और परिवार कल्याण को प्रोत्साहित करना, पंचायत क्षेत्र में समाज के सभी समुदायों में एकता और सौहार्द भाव बढ़ाना, किसी भी क्रियाकलाप योजना आय और व्यय विशेष के बारे में पंचायत के सरपंच और सदस्यों से स्पष्टीकरण चाहना तथा अन्य कोई कार्य जो ग्राम सभा में विहित किए जाएं। दूसरा है पंचायत की स्थापना। राज्य सरकार किसी नगरपालिका या किसी छावनी बोर्ड में शामिल नहीं किए गए किसी गांव या गांव के किसी समूह को समाविष्ट करने वाले किसी भी स्थानीय क्षेत्र को पंचायत सर्किल घोषित कर सकेगी तथा इस घोषित सर्किल के लिए एक पंचायत होगी। पंचायत की संरचना के संदर्भ में पंचायत में एक सरपंच और इतने वार्डों में प्रत्यक्ष निर्वाचित पंच जो धारा 12 उपधारा 2 के अधीन अवधारित किए जाए होंगे। इस धारा के अनुसार 3000 से अनाधिक की जनसंख्या वाले किसी पंचायत सर्किल में 9 वार्ड होंगे और किसी ऐसे पंचायत सर्किल के मामले में जिसकी जनसंख्या 3000 से ज़्यादा है तो 3000 से अधिक के प्रत्येक 1000 या उसके भाग के लिए 9 की उक्त संख्या में 2 वार्डों की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। तीसरा है पंचायत समिति की स्थापना। राज्य सरकार एक ही जिले के भीतर के किसी भी स्थानीय क्षेत्र को खंड के रूप में घोषित कर सकेगी तथा इस घोषित प्रत्येक खंड के लिए एक पंचायत समिति होगी। पंचायत समिति में निम्न सदस्य होंगे, इतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो धारा 13 की उपधारा 2 के अधीन अवधारित किए जाएं और ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधानसभा के सभी सदस्य जिनमें पंचायत समिति क्षेत्र पूर्णतया अंशतः समाविष्ट है। 1,00,000 से कम की जनसंख्या वाले किसी पंचायत समिति क्षेत्र में 15 निर्वाचन क्षेत्र होंगे और किसी ऐसे पंचायत समिति क्षेत्र के मामले में जिनकी जनसंख्या 1,00,000 से अधिक है 1,00,000 से अधिक के प्रत्येक 15,000 या उसके भाग के लिए 15 की उक्त संख्या में 2 की और बढ़ोतरी कर दी जाएगी। नेक्स्ट है जिला परिषद की स्थापना। प्रत्येक जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जिसकी संरचना इस प्रकार से होगी, इतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य जो धारा 14 की उपधारा 2 के अधीन अवधारित किए जाएं, ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के और राज्य विधानसभा के सभी सदस्य जिनमें जिला परिषद क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः समाविष्ट है और जिला परिषद क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत राज्यसभा के सभी सदस्य। धारा 14 की उपधारा 2 के अनुसार 4,00,000 से कम की जनसंख्या वाले किसी जिला परिषद क्षेत्र में 17 निर्वाचन क्षेत्र होंगे और किसी ऐसे जिला परिषद क्षेत्र के मामले में जिनकी जनसंख्या 4,00,000 से अधिक है 4,00,000 से अधिक के प्रत्येक 1,00,000 या उसके भाग के लिए 17 की उक्त संख्या में 2 की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। नेक्स्ट पांचवा बिंदु जो विशेषता का हुआ स्थानों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। प्रत्येक पंचायती राज संस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का किसी पंचायती राज संस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथाशक्य निकटतम वही अनुपात होगा
जो उस पंचायत राज संस्था क्षेत्र में ऐसी जातियों या यथास्थिति जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है। इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था में एसटी एससी ओबीसी महिलाओं आदि हेतु सीटों का आरक्षण निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है अध्यक्षों के पदों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन्स। इस अधिनियम के तहत सरपंचों, प्रधानों और प्रमुखों के पद एसटी एससी ओबीसी तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। किसी पंचायत समिति या यथास्थिति जिला परिषद में सरपंच या प्रधान के पदों का 15 से अनाधिक इतना प्रतिशत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जाएगा जितना उस पंचायत समिति या जिला परिषद क्षेत्र में एसटी एससी की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत ऐसी पंचायत समिति या यथास्थिति जिला परिषद क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 50% से कम पड़ता है। राज्य में जिला प्रमुख के पदों की कुल संख्या का 15% पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया गया है। राज्य में सरपंचों, प्रधानों और प्रमुखों के पदों की कुल संख्या का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। पंचायती राज, नेक्स्ट एंड लास्ट विशेषता का बिंदु है पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल और निर्वाचन। प्रत्येक पंचायत राज संस्था यदि पहले विघटित नहीं कर दी जाए तो संबंधित संस्थाओं की प्रथम बैठक के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं। किसी पंचायत राज संस्था का गठन करने हेतु निर्वाचन उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व और विघटन की स्थिति में उसके विघटन की तारीख से 6 माह की कालावधि की समाप्ति से पूर्व पूरा किया जाएगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2000 हम इससे अगले वाले व्याख्यान में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।